का क्वेश्चन है फैक्टर्स प्रोमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम। द ब्रिटिश ट्राइड टू विन ओवर द मुस्लिम माइनॉरिटी एंड वेंट आउट ऑफ देयर वे टू डू सो। दे एक्सप्लॉइटेड द कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय प्लेइंग द नॉन ब्राह्मिन्स अगेंस्ट ब्राह्मिन्स। सोशल एंड कम्युनल बिटरनेस अरोज अमोंग द हिंदूज एंड मुस्लिम रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू बाय हिंदी इन लॉ कोर्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिटिश एटीट्यूड हो के मुस्लिम की तरफ वो थोड़ा चेंज उन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि ब्रिटिश समझ रहे थे जो 1857 में जो वार हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम का जो एकता है इसलिए वो हुआ था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल में इन दोनों का हिंदू मुस्लिम का एकता दिखाया गया था, तो इन दोनों के एकता की वजह से ये सब हो रहा है तो फूट डालना चाहिए। इसलिए वो क्या कि हिंदू और मुस्लिम में मुस्लिम की तरफ एटीट्यूड चेंज कर लिया। ठीक है, हैं तो क्या किया उन लोगों ने लॉ कोर्ट में रिप्लेस कर दिया उर्दू को हिंदी के साथ। तो इस तरह से भी एक फैक्टर्स हो गया एक चेंज इन ब्रिटिश एटीट्यूड टूअर्ड्स मुस्लिम। ये है नंबर पॉइंट वन। नेक्स्ट अच्छे रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एडुकेशन। एक मिनट, इन एडुकेशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नंबर वन, द अपर क्लास मुस्लिम वेयर कंजर्वेटिव एंड हॉस्टाइल टू मॉडर्न एडुकेशन। बिकॉज ऑफ दिस द नंबर ऑफ मुस्लिम्स एडुकेटेड इन वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एडुकेशन रिमेन स्मॉल। नंबर टू, द ब्रिटिश गवर्नमेंट होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857 दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द रिक्वायरमेंट टू सिविल एंड मिलिटरी सर्विसेज। नंबर थ्री, the Muslim community was not much involved in the growth of any organized industry. Number four, some members of Muslim community did not adopt the Western system of education since modern education was essential for entry into government service. They had the disadvantage in that respect. डिस्क्राइब करते हैं नंबर वन पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अपर क्लास मुस्लिम थे वो बिलोंग करते थे, शामिल थे ज़मींदार और अभिजात फैमिली से ड्यूरिंग द फर्स्ट 70 ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। दे वर एंटी ब्रिटिश, तो फॉर दैट दे वर वेरी कंजर्वेटिव टू मॉडर्न एडुकेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ मुस्लिम एडुकेटेड इन वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एडुकेशन एंड रिमेन्स स्मॉल। ठीक है, ये नंबर वन। नंबर टू पॉइंट है जो ब्रिटिश लोग रिस्पॉन्सिबल कर रहे थे 1857 के वार के लिए मुस्लिम को, सो इसलिए दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द रिक्वायरमेंट टू सिविल एंड मिलिटरी सर्विसेज। ठीक है, ये नंबर टू। एंड नंबर थ्री, द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज नॉट मच इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। दे लोग इतना भी इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसलिए भी दे लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, नंबर फोर, सम मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट एडॉप्ट द वेस्टर्न सिस्टम। सम मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कुछ लोग नहीं एडॉप्ट कर रहे थे वेस्टर्न सिस्टम को, इसलिए मॉडर्न एडुकेशन, सिंस मॉडर्न एडुकेशन वॉज स्पेशल, इसके अलावा मॉडर्न एडुकेशन भी एसेंशियल था थर्ड एंट्री इन टू गवर्नमेंट सर्विस, फिर ये भी उन लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज रहा, ये भी एक फैक्टर रहा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के अंदर रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एडुकेशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये पॉइंट होगा नंबर वन, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री एंड ये नंबर पॉइंट में आते हैं नंबर थ्री, लॉस ऑफ सॉवरेंटी बाय द मुस्लिम्स। बिफोर द अराइवल्स ऑफ द ब्रिटिश मेनी रूलर्स इन इंडिया हैड बीन द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड इज देयर रूल आफ्टर डिथ्रोनिंग द मुगल किंग्स इन इंडिया। दिस मेड द मुस्लिम्स बिटर टुवर्ड्स द इम्पीरियल रूल। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रिटिश मुगल रूलर्स को गद्दी से हटा दिया जब ब्रिटिश लोग एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। ठीक है,
जो मुगल रूलर्स फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम थे, इस्लाम के फॉलोअर्स थे, उन लोगों को गद्दी से हटा दिया, ठीक है। फिर उन लोग ब्रिटिश लोग एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया, ठीक है। बट जो जो मुस्लिम थे वो क्या तीव्र शत्रुता होगी उन लोगों के ब्रिटिश के साथ, फॉर दैट दे पार्टिसिपेट इन द वाबी मूवमेंट एंड ऑल्सो दे टुक पार्ट इन द अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है। इसके वजह से ब्रिटिश लोग उन लोगों की तरफ कुछ और दृष्टिभंगी से, सस्पिशियस दृष्टिभंगी से उन लोगों की तरफ देखने लगे, एंड दे ब्रिटिश गवर्नमेंट जान बूझ कर मुस्लिम की तरफ भेदभाव करने लगे एंड होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है। यही इस पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ये मैंने शॉर्ट करके लिखाया है इसलिए क्योंकि इतना बड़ा मैंने जो आप लोगों को समझाई ये सब डिस्क्राइब करने लगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग चाहे तो मैंने जो आप लोगों को ऐसे समझाए वो ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने खुद की भाषा में, ठीक है। ये अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया जो मैंने बोला वो अगर सब समझ जाएगा तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, हाँ, इसमें से भी कुछ पॉइंट है। नंबर 1 है, इन 1871 लॉर्ड मेयोस गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन व्हिच मेड उर्दू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मुस्लिम्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। ये तो समझ में आ गया नंबर 1, ठीक है। ये बहुत इजी था, मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। In 1871, Lord Mayo's government adopted a resolution which made Urdu the primary Urdu medium of medium of instruction for Muslim in primary and secondary schools. Number 2, they tried to hatred among them by portraying Muslim rulers as plunderers and Hindu rulers as cruel kings to their Muslim subjects. ये भी समझ में आ गया, ये भी इजी था। नंबर 3 क्या है, दे ट्राइड टू जस्टिफाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू क्रिएट अ न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, ठीक है। ये भी ए पॉइंट इजी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब है नाउ द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, ये भी छोटा करके लिखाना पड़ा, ठीक है। इसमें क्या है, सर सैयद अहमद खान रिगार्डेड हिंदूज एंड मुस्लिम टू बी वन कोम मीनिंग नेशंस, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ही फाउंडेड द मोहम्मेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ व्हिच हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम पैट्रन्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है, एक मिनट, इन द 1880s he gave up his early views and declared that the political interest of Hindus and Muslims were different. He opposed Indian National Congress. ठीक है, ये जो role of सैयद अहमद खान है ये ब्रिक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा लिख दिया था इसलिए मैंने काट दिया, यहाँ पे स्टार मार्क करके पीछे लिख दिया है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, ठीक है। ये मैं अलग करके भी लिखूंगी फिर आपको दिखाऊंगी रोल ऑफ सर सैयद अहमद का। ये छोटा करके लिखा है क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है क्वेश्चन में, सब ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो मैंने पहले ही बोला था कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। मैंने ये 5 पॉइंट लिखा है, देन ETC दे दिया है, इसमें से और 2 पॉइंट हो गए, द राइट्स ऑफ एसर्टिव नेशनलिज्म, 7 इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। ये दोनों मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये दोनों ऐसे रख लिया है। आप चाहे तो ये दोनों भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं या नंबर 5 करके ETC दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 3 फैक्टर्स लिखने को बोल सकते हैं, तो अगर आप 3 फैक्टर्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर 1, नंबर 2 व नंबर 3 कोई भी 3 पॉइंट्स लेकर लिख सकते हैं, या अलग से कुछ शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगी कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा अगर नहीं आया तो 3 पॉइंट ऐसे करके ही आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर शॉर्ट में आएगा तो कैसे लिखना है मैं दिखाऊंगी। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, देख लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट,
देख लीजिए, ये यहाँ पे थर्ड फोर्थ सेकंड का सेकंड के अंदर में है, ये थर्ड फोर्थ नंबर थ्री ये है, देख लीजिए नंबर थ्री, नंबर फोर, ये है, उसके बाद फिर ये, फिर नंबर फाइव, फाइव इतना एतोटा होबे इतना सा, फिर पीछे है देख लीजिए ये पैथ्रोन्स। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा एक लास्ट पैरा है, ये होगा, फिर आप ईटीसी दे सकते हो, ईटीसी, या ये दो पॉइंट और है इसे भी डिस्क्राइब कर दे सकते हो, ये ठीक है, ठीक है। आप है, आप अगर क्वेश्चन आया कि थ्री फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, थ्री फैक्टर्स ओनली, तो आप यहाँ से भी ब्रॉड में से भी थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। या मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसमें हेडिंग कोई हेडिंग नहीं है, जस्ट ओनली वन टू थ्री फोर करके ऐसे ही लिखा है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही आंसर है, जस्ट ये वन टू थ्री करके लिखा है, तो आप देख लीजिए, ये है नंबर वन, नंबर टू, एंड नंबर थ्री, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब प्लीज।